आरआरसी रीजनिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत। आज हम लोग सीएसएसएल के 24वें लेसन पर 24वें सेट पर डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए सेटों के दौर में देखें, पहले गिने इस टाइप के सवाल को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 है तो 3 लीटर का 4 पेयर हो सकता है या 4 लीटर का 3 पेयर। हम 3-3 लीटर पर तोड़ते हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। अब देखें, टी है, टी के ठीक पहले क्या है एस, आगे में टी टी है तो आगे में टी, एक क्लज भर गया तो टी यू एस टी यू यू एस टी यू एस टी यू एस, एक गाना सा बन जाता है। अब देखिए डब्ल्यू दो नंबर में नहीं है, आगे में 3 नंबर में नहीं है, 1 और 4 में कंपटीशन, तो डब्ल्यू टी एस टी एस, इसमें टी एस नहीं है, इसलिए ऑप्शन कौन दिखता है 4 नंबर। अब यहां देखें डायरेक्शन के सवाल है, विशाल 8 किलोमीटर पूर्व चलता है, विशाल जो है 8 किलोमीटर पूर्व चलता है, फिर बाई मुड़कर 5 किलोमीटर इस पर चलते हैं, तो अपना बायां हाथ ऊपर, फिर 5 किलोमीटर बाई चलता है, फिर 270 डिग्री घड़ी के सुई के चलने के दिशा में, तो घड़ी यदि ऐसे होता है तो इस पर यदि घड़ी चलता है तो ऐसे चलता है, तो इसका मतलब हो गया ऐसे चलता है, तो इसका मतलब होता है दायावर्त, दायावर्त को कहते हैं राइट, 270 डिग्री दायावर्त चलता है, 270 डिग्री दायावर्त के हैं, या दाया का उल्टा बायां लेफ्ट होता है, 360 डिग्री में से 270 डिग्री घटा दे 90 डिग्री, यानी दायावर्त 270 डिग्री चले या बायावर्त 90 डिग्री चले, बात एक ही होता है। अब देखिए ये घर से 8 किलोमीटर पूर्व चला, फिर बाएं मुड़कर उत्तर तरफ चला, फिर क्या करते हैं लेफ्ट 90 डिग्री चलना है तो इस पर चलते हैं, तो बायां इधर होता है, 90 डिग्री चलना है तो सीधा सीधे से चलेंगे, तो ये कितना डिग्री कौन बढ़ गया 90 डिग्री का, तो अभी किस दिशा में जा रहे हैं तो पश्चिम दिशा में। अब देखें 2 लीटर से 1 लीटर इन दोनों में क्या संबंध है, तो डी का वैल्यू 4 आई का वैल्यू 9, दोनों को जोड़ने 9 4 m 13 के बराबर, यानी डी का वैल्यू 4 आई का वैल्यू 9 दोनों को जोड़ने से 13 के बराबर, उसी तरह से सी का वैल्यू 3 आर का वैल्यू 18 और तीनों को जोड़ते हैं तो 18 3 21 21 नंबर पर यू देखे ना 1 नंबर में है ना 2 नंबर में ना 3 नंबर में, किस में है 4 में। फिर देखें 20 से 13 हो रहा है, टी का वैल्यू 20 होता है, एम का वैल्यू 13 होता है, तो 20 से 13 हो जा रहा है तो -7, फिर 21 से 14 हो जा रहा है तो -7, तो -7 इनमें भी घटावे -7, तो 10 में से 7 गया तो 3, 3 नंबर पर सी, सी 2 नंबर में नहीं है पहला लीटर, 3 नंबर में भी पहला लीटर नहीं है सी, 4 नंबर में भी नहीं है ऑप्शन नंबर 1। अब देखें 36 जो होता है 6 का स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है, तो 6 से ठीक नीचे वाले के स्क्वायर, यानी 36 से 25 कैसे बना, तो 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25, तो 6 से नीचे वाला 25, इसलिए 10 का स्क्वायर 100 है और 10 से निचले वाला अंक क्या है 9, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81 देखिए ऑप्शन नंबर 1 में है। कहा जा रहा है विषम चुने साक झाड़ी पेड़ जन, साक झाड़ी और पेड़ ये सभी जमीन से ऊपर होते हैं परंतु जड़ जमीन से नीचे होते, इसलिए विषम जड़ है। अब देखें यहां देखें एम का वैल्यू 13, एस का वैल्यू 19, 13 से 19 हो जा रहा है तो +6, फिर देखें 18 से 24 हो जा रहा है तो +6, फिर देखें 2 से 9 हो जा रहा है तो +7, 10 से 16 हो जा रहा है तो +6। समान गुण वाले कौन कौन है, 1 नंबर में 6 है,
दो नंबर में भी छह है, चार नंबर में छह है, लेकिन परंतु तीन नंबर में सात का डिफरेंस है, इसलिए ऑप्शन नंबर तीन विषम दिखती है। अब देखें यहां पर भी विषम को चुनना है, 82 एक नंबर में, दो नंबर में 75, तीन नंबर में 64, चार नंबर में 31। तो देखिए इन अंकों में कौन चार में एक ऐसा अंक है जो तीन चारों में से अलग एक जैसा का गुण है, अलग जैसा वाला गुण देखें। ये जो है 64 जो है 8 के वर्ग है, परंतु इसके अलावा 82 भी वर्ग बनने वाले अंक नहीं है, 75 भी वर्ग वाले अंक नहीं है, 31 भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर तीन है। अब इन दो इनका भी विषम देखें अगले क्वेश्चन का। 512 किसी अंक का वर्ग नहीं है, 100 जो है 10 के वर्ग है, 125 वर्ग किसी अंक का नहीं है, 216 भी किसी वर्ग का नहीं है, इसलिए इनमें भी दो। अब देखें एन का वैल्यू 14, पी का वैल्यू 16, एस का वैल्यू 19। 14 से 16 प्लस 2, 16 से 19 प्लस 3, यहां क्या हो जाएगा प्लस 4, तो 19 4 कितना होता है 23। 23 नंबर पर डब्लू, डब्लू एक नंबर में नहीं है, तीन नंबर में नहीं है, दो और चार में कंटेस्ट चल रहा है। एम 13, के 11, 13 से 11 हो जा रहा है तो माइनस 2, फिर 11 से 9 हो जा रहा है तो माइनस 2, फिर 9 से 2 चल जाएगा तो 7, 7 नंबर पर कौन होगा जी, जी डब्ल्यू जी होना चाहिए, आंसर ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखें एक के गुना 5, 5 बार, एक गुना 5, 5, 5 को गुना 6, 6 को गुना 7, 5 गुना 6 गुना 7 गुना यहाँ क्या होगा 8, यहाँ गुना कितना होगा 9, 1680 को 9 बार गुना करेंगे तो 1520 के बराबर होगा। अब यहाँ देखें कथन कहा गया है कि छोटा मुंह छोटा आदमी, बड़ा मुंह बड़ा आदमी, एक के तरफ छोटा मुंह है तो एक छोटा है दो से, यहाँ ध्यान दें एक छोटा है किससे दो से, और दो छोटा है, दो भी छोटा है किससे तीन से। अब निष्कर्ष में कहा जा रहा है एक छोटा है तीन से, बिल्कुल एक जो है तीन से छोटा है, क्योंकि एक के तरफ मुंह छोटा है तो तीन से छोटा एक है, बिल्कुल ये भी सही है। अब कहा जा रहा है दो छोटा है तीन से, दो भी छोटा है तीन से, इसलिए ऑप्शन नंबर दोनों सही है। विशिष्ट कोड में देखें आई एन एस टी ए एन टी को आई क्यू यू डब्ल्यू ई एस डब्ल्यू कहा जाए, उसी भाषा में फॉर गेट को क्या कहा जाए। तो देखें आई 9 है, यहां 9 है तो 0 हो रहा है, फिर देखें एन का वैल्यू 14, क्यू का वैल्यू 17, 14 से 17 हो जा रहा है तो प्लस 3, फिर देखें एस का वैल्यू 19, क्यू का वैल्यू 21, 19 से 21 हो जा रहा है तो प्लस 2, फिर देखें टी का वैल्यू 20, डब्ल्यू का वैल्यू 23, तो 20 से 23 हो जा रहा है तो प्लस 3, फिर देखें ए का वैल्यू 1, ई का वैल्यू 5, 1 से 5 हो जा रहा है तो प्लस 4, फिर देखें एन 14, ई एस 19, 14 से 19 हो जा रहा है तो प्लस 5, फिर देखें यहां पर टी का वैल्यू 20, यहाँ 26, 20 से 26 हो जा रहा है तो 6, तो आगे कितना बढ़ेगा देखें 0 बढ़ावे, 3 बढ़ावे, 2 बढ़ावे, एवं प्रकार से हम जब बढ़ाते हैं उसी तरह से पहले 0, 14, 3, 17, उसी तरह से हम डालते हैं 0 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो 0 एफ का वैल्यू 6, 6 में 0 जा रहे हैं तो 6, 6 नंबर में एक सभी में है 6, फिर देखें 15 ओ का वैल्यू 15, 3 18, 18 दूसरा लीटर होना चाहिए, सॉरी यहां पर 15 दू 17, ये लिखने में गलती हो गया, मिस्टेक है, चाहे आगे सब सवाल पर। अब यहां देखें ये सवाल के लिए मुझे खेद है, फिर आगे बढ़ाइए। अब देखिए 11 गुना 18 को करते हैं, 18 गुना 11 198, 12 गुना 120, 112 गुना 10 120 होता है, निचला दोनों अंक को गुना करने के बाद 120 ऊपर वाले के बराबर पुरता है, 11 और 18 को गुना करने पर 198 पुरता है, उसी तरह से 9 और 4 को गुना करने से कितना होगा 36 होगा,
फिर देखते हैं अगले सवाल में।